स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार चौथी बार चौका लगाने के लिए इंदौर शहर तैयार है। इंदौर को लगातार चौथी बार नंबर वन का खिताब मिलने जा रहा है। 20 अगस्त को होने वाली अवार्ड की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल जारी हो चुका है। इंदौर सहित प्रदेश के 9 निकायों को बुलावा आया है। इंदौर का नाम इसमें सबसे पहले नंबर पर है। देखिए खास रिपोर्ट। स्वच्छता की हैट्रिक लगाकर देश और दुनिया को स्वच्छता का मॉडल देने वाला इंदौर शहर चौथी बार नंबर वन का खिताब अपने नाम करने जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजे 20 अगस्त को घोषित होने जा रहे हैं, लेकिन सोमवार को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के आधार पर तय हो गया कि इंदौर फिर नंबर वन बनेगा। दूसरे नंबर पर सूरत और फिर नवी मुंबई का नंबर है। दिल्ली के सूत्रों के मुताबिक इंदौर का चौका पक्का है। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं, साथ ही उन्होंने इंदौरियों की जमकर तारीफ भी की। देखिए, ये एक शहर की सोच बतलाता है कि 2017 में पहली बार इंदौर नंबर वन आया था। 2015-16 में जनता स्वच्छता चाहती थी शहर में। जनता ने काम सहयोग दिया। जनता ने हर परिवार के हर सदस्य ने, बच्चों ने, यूथ ने, महिलाओं ने मदद की इसमें, सफाई का शहर को साफ रखने में, दुकानदारों ने, व्यवसायिक लोगों ने। और उसी का नतीजा है कि 17 में आया, फिर 18 में आया, फिर 19 में आया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी इंदौर का नंबर वन आना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा कोई शहर नहीं है इस समय देश में जो इंदौर जितना स्वच्छ हो। सोमवार को शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय की ओर से 12 शहरों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। इसमें सबसे पहले इंदौर का नाम था। इन शहरों को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अवार्ड दिया जाएगा। हैट्रिक के बाद इंदौर का चौका इसलिए भी पक्का था क्योंकि इंदौर नगर निगम के कार्यों के आधार पर ही मंत्रालय द्वारा स्वच्छता के मापदंड तय किए जा रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों घोषित हुए गार्बेज फ्री सिटी की रैंकिंग में भी इंदौर को 5 स्टार मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।